Hello, my dear kids. Welcome back. I am Vandana and we are learning English reader of class 2 by Brain Root series. And here is a book, children. The name is Literary Journeys. Today, children, we are going to start with chapter number 8 of your book and the name is Singing Engine. So, yes, we are going to learn about the engine of a train and how it sings. That we are going to learn here. So, let's start with the warming up. Have you ever traveled by train and listened to the sound its engine make? क्या आप कभी भी ट्रेन से कहीं भी गए हो? और आपने क्या कभी भी साउंड सुना है? इंजन का कैसा साउंड प्रोड्यूस करता है इंजन? What does it say? क्या कहता है वो? And discuss with your friends. You have to discuss. ट्रेन की कैसी आवाज है? उसका जो इंजन होता है वो कैसी आवाज करता है? So, let's start the poem. When you travel on the railway and the line goes up the hill. So, जब आप ट्रेन से ट्रैवल करते हो और जो लाइन है वो ऊपर की तरफ मीन्स हिल पे जाती है. Just listen to the engine. आपको क्या करना है? इंजन के साउंड को सुनना है. As it pulls you with a will. क्योंकि वो क्या करती है? वो आपको खींचती है. इस पहाड़ के ऊपर खींचते हुए अपनी मर्जी से आपको ऊपर की तरफ खींचते हुए जाती है. विल मीन्स मर्जी. दो इट गोज सो वेरी स्लोली इट सिंग्स दिस लिटिल सॉन्ग. भले ही वो बहुत धीरे धीरे जाती है उस पहाड़ी पे चढ़ने के लिए उसे बहुत मेहनत लगती है, धीरे धीरे जाती है, लेकिन वो एक गाना गाता है. और क्या है वो? आई थिंक आई कैन. तो वो जो ट्रेन का जो इंजन है वो ये गाना गाता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं कर सकता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं कर सकता हूँ. एंड सो इट गोज अलॉन्ग. और ये गाना गाते गाते वो जो ट्रेन का इंजन है वो आगे की तरफ बढ़ता चला जाता है और बढ़ता चला जाता है. बट लेटर ऑन द जर्नी व्हेन यू आर गोइंग डाउन अ हिल. सो जब आपकी जर्नी जो है आगे जाती है और आप पहाड़ से नीचे की तरफ उतरने लगते हैं, जब आप पहाड़ से नीचे की तरफ उतरते हैं, देन व्हाट हैपेंस? द ट्रेन रिक्वायर्स नो पुलिंग. आप ट्रेन को किसी भी तरीके से किसी चीज़ को खींचने की ज़रूरत नहीं है, इंजन को उसे किसी चीज़ को पुल करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप नीचे आने लगती है. इफ़ यू एंड द इंजन सिंगिंग स्टिल. और जो इंजन है अभी भी वही गाना गा रहा है. और क्या? इफ़ यू लिसन वेरी क्वाइटली. अगर आप बहुत ध्यान से सुनो उस इंजन की आवाज़ तो वो क्या बोलेगा? यू विल हियर दिस लिटिल सॉन्ग. आपको ये सॉन्ग सुनाई देगा और वो क्या है? आई थॉट आई कोड. अब जो इंजन कहता है मैं ऐसा सोच रहा था कि मैं ऐसा कर पाऊंगा, मैंने ऐसा सोचा था कि मैं ऐसा कर पाऊंगा. तो जब ट्रेन ऊपर की तरफ जा रही थी तो उसने कहा आई थिंक आई कैन, मीन्स मैं ऐसा, मुझे ऐसा लगता है मैं कर सकता हूँ. और जब वो नीचे आने लगा स्लोप से तो उसने कहा मैं ऐसा सोच रहा था कि मैं ऐसा कर पाऊंगा और देखो आखिर मैं ऐसा मैंने कर लिया, मैं पहाड़ के ऊपर भी चढ़ गया और अब नीचे की तरफ आ रहा हूँ. एंड सो इट स्पीड्स अलोंग. और धीरे धीरे जो ट्रेन की स्पीड है वो आगे बढ़ती हुई चली जाती है. चिल्ड्रेन डू यू नो हु इज द पोएट? सो द पोएट इज क्रिस्टीन वेदरली. नाउ लेट्स मूव ऑन टू ग्लॉसरी. विल मीन्स अ स्ट्रॉन्ग विश टू डू समथिंग. किसी चीज को करने की बहुत तीव्र इच्छा. नेक्स्ट इज लेटर. लेटर मीन्स आफ्टरवर्ड, किसी चीज के बाद. Requires means need. कोई चीज अगर आपको चाहिए तो आप कहोगे require. Engine क्या है? The part of a vehicle that produces power. Vehicle का वो part जिसमें power होता है. Next, journey का मतलब होता है एक long trip. Speeds means move very fast, बहुत तेजी से चलना. Do means an idea or opinion. Thought means this is thought and it means कोई भी आइडिया या फिर ओपिनियन. ट्रैवल मीन्स टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, स्पेशली ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस, किसी लंबी दूरी को तय करना.
Now let's move on to book exercise, which is comprehension. Here the first exercise is, children, multiple choice questions. So here the first question is, how does a train go when it goes up the hill? So jab wo hill ke upar ja raha tha train, to wo kaise ja raha tha? It goes very slowly, it goes fast, it goes steadily, it stops and start. So it goes very slowly. Now how does a train go when it goes down the hill? Ab wo niche ja raha to kaise jata hai train? It goes slowly, it goes out of control, it goes steadily, or it starts and stops. So it goes steadily. Now the third one is, who hears the engine singing? Kaun sun raha hai engine ke is gaane ko? The passenger, the poet, the station master, or the engine driver? So what you have to do, you have to find out the answer of this question and do it yourself. Now let's move on to fill in the blanks, and here we have to fill this with the help of the help box. So the train requires no dash when it goes down the hill, so it requires no pulling. Next, second one is, if you will hear this little, agar aap sunoge is chote se kisko? Song ko. Rest of children, do it yourself. Now let's move on to true or false. We have to write down true or false for the following sentences. This poem is about an aeroplane. Kya is poem mein aapko aeroplane ke baare mein padhaya gaya hai? No, this is false. The train requires pulling when it goes down the hill. जब वो नीचे उतरती है तो क्या वो pull करती है? No, children, this is again false here. Like this, read the next two questions and do it yourself, children. Next is the part which is answer the following questions. So have you ever climbed a hill? So this you have to answer yourself, कि आप कभी किसी hill पे चढ़े हो? And which is easier, going up or going down? So, upar jana zyada aasan hai ya niche? This you have to write on your own. Now, what does it say when it goes up the hill? So, jab upar jata hai train, to wo kya kehta hai? Kya kehta hai, children? I can do it. I think I can do it. तो ये कह रहा था हमारा ट्रेन. नाउ व्हाई डिड यू डू यू थिंक दैट द ट्रेन सिंग द सॉन्ग आई थिंक आई कैन आई थिंक आई कैन? आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो ये गाना क्यों गा रहा है? व्हाइल गोइंग अप द हिल. सो दिस आल्सो यू हैव टू डू योरसेल्फ. नाउ द फोर्थ वन इज, हाउ डज द ट्रेन ट्रैवल डाउन द हिल? अब जो ट्रेन है वो नीचे कैसे ट्रैवल कर रहा है? वो नीचे ट्रैवल कर रहा है स्टेडिली. So these are the answers, children. I hope they are clear, and with this we have completed the poem. I hope it's clear to you. You have to learn the poem and also do the given exercises. I'll be meeting you soon, children, with a new video. Till then, stay tuned and thanks for watching.